हार्ट अटैक के मरीजों को बचाने के लिए जबलपुर के साइंस कॉलेज में सीपीसीआर पद्धति की जानकारी दी गई। जबलपुर के समाज सेवी डॉक्टर बी के डांग एक अभियान के तहत जगह जगह शिविर लगाकर इसकी जानकारी देते हैं। साइंस कॉलेज में छात्राओं को हार्ट अटैक आने पर मदद के बारे में बताया गया। मैंने बच्चों को यह भी बताया कि पुनर्जीवन प्रयास विधि किस तरह से की जाती है। यह आयोजन में मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आर एस शर्मा, उनके साथ इस अभियान को चला रहा हूँ और ये उन्हीं का अभियान इसके अंतर्गत मैं काम करता हूँ। ऐसा हमारा सोचना है कि जब हार्ट बंद हो जाता है तो उसको चालू करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 मिनट हैं और 4 मिनट में डॉक्टर नहीं मिलता है। तो ऐसा डॉक्टर शर्मा का भी सोचना था और हमारी पूरी टीम का सोचना है कि आम आदमी को भी हम पुनर्जीवन प्रयास विधि के बारे में बताएँ, जिसको हम CPCR बोलते हैं, क्योंकि उस 4 मिनट में वही आदमी चालू कर पाएगा जो पास में खड़ा है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो चालू नहीं कर पाएगा और 4 मिनट के बाद संभव ही नहीं कि आदमी को वापस बुलाया जा सके। इस तरह से इस विधि को हर जगह हर बच्चे को बताकर हम स्मार्ट सिटी बनाने में योगदान कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटीजन भी चाहिए और हम चूँकि मेडिकल मैन हैं तो हमारा ऐसा विचार था कि आदमी को हम मेडिकली स्मार्ट कर दें ताकि ऐसी ज़रूरत पड़े, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट बंद हो जाए, एक्सीडेंट के बाद हार्ट बंद हो जाए, तो रोड पे उसी जगह उसी समय अगर हम पुनर्जीवन प्रयास विधि चालू करेंगे तो निश्चित हमें लाभ होगा, हम आदमी की जान बचा पाएंगे। उद्देश्य हमारा यही है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद या अदरवाइज भी हार्ट अटैक की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब वो चीज़ नहीं रह गई कि हार्ट अटैक 60 के बाद होगा, अभी 25-26 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। कारण बहुत सारे हैं लेकिन हार्ट अटैक के बाद क्या करना है, कैसे बचाना है, इसी बात को लेके हम आम पब्लिक के बीच में हैं और ये यंग जनरेशन जिसे हमारे देश को देखना है, हमारे देश का भविष्य है, इन्हें हम समझा रहे हैं ताकि देश को संभाल सकें और हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या कम कर सकें, खासकर जो जवान बच्चे 25-26 साल के हार्ट अटैक करके आ रहे हैं।